स्मार्ट सुपर स्टोर प्रेजेंट्स आपके साथ आपका स्मार्ट। आज की रेसिपीज इज एन इजी बनाना पैनकेक। और ये रेसिपीज जो आप यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, अकेले रहते हैं, सिंगल पीपल, और इफ यू वांट टू इम्प्रेस योर पार्टनर, हेल्प योर वाइफ, दीज रेसिपीज एंड लाइफ हैक्स आर परफेक्ट फॉर यू। और अगर आपको बेसिक कुकिंग भी आती हो या नहीं आती हो, ये रेसिपी इतनी आसान है और आपके ये जो इंग्रेडिएंट्स है आपके किचन में 100% या आपके फ्रिज में तो जरूर ही रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो आपके बिल्कुल नियरेस्ट नजदीक वाले स्मार्ट सुपर स्टोर से जरूर खरीद सकते हो। तो चलो लेट्स स्टार्ट कुकिंग माय इजी बनाना पैनकेक। तो बनाना पैनकेक्स के लिए आपको लगेगी एक पकी हुई या ज्यादा ही पकी हुई बनाना, एक कप मैदा, एक या डेढ़ कप दूध, बेकिंग सोडा, शक्कर, तेल पकाने के लिए और दालचीनी पाउडर। तो पहले डालेंगे हम केला, उसके बाद हम इसे थोड़ा सा मैश कर देंगे, इसके बाद डालेंगे हम एक कप मैदा, फिर 20 ग्राम शक्कर, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर और एक कप दूध। ओके, तो पहले हम थोड़ा दूध मिक्स कर देते हैं इसमें, उसको हम विस्क कर देते हैं, और आखिरी में मैं इसमें डालने वाला हूं दालचीनी का पाउडर। तो अभी हम इसको विस्क कर देते हैं। तो अभी हम डालेंगे बनाना पैनकेक का बैटर। नजर आए साइड में, यानी कि आपका पैनकेक रेडी है टर्न करने के लिए। तो आप देखिए, तो आपके इतने अच्छे फ्लफी उम्दा पैनकेक्स तैयार हो गए हैं। अब इसे हम धीमी आंच से पका रहे हैं। देखो इतने अच्छे ब्यूटीफुल पैनकेक्स है। अगर आपको बनानास पसंद नहीं हो, आई डोंट थिंक एनीबॉडी डजंट लाइक बनानास, लेकिन चलो आपको बनाना नहीं अच्छा लगता है, आपके घर पे बनानास नहीं है, लेकिन आपके घर पे सेब हो, तो इफ यू वांट टू मेक एप्पल पैनकेक्स, वो एप्पल्स को आप कद्दूकस करोगे, हल्का सा नींबू का रस डाल के पहले पैन में डालोगे, हल्का सा सॉटे करोगे थोड़ा सा बटर में, थोड़ा सा लेमन जूस डाल के, और फिर आपके पैनकेक मिक्स जो है उसमें जाएगी, तो आपके साथ बनेंगे एप्पल पैनकेक्स। ने एक क्विक सॉस बना दिया है। मेरे पास फ्रिज में थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी जैम थी या एनी काइंड ऑफ जैम, उसमें मैंने थोड़ा सा दूध मिला दिया और मेरा स्ट्रॉबेरी सॉस तैयार मेरे बनाना पैनकेक्स के लिए। बनाना पैनकेक्स रेडी। स्टे ट्यून्ड, डू लाइक and follow Smart Superstore Facebook and Instagram page to watch such more videos. Stay home, stay safe.